यूपी बजट सत्र का आठवां दिन आज विधानसभा में मुख्यमंत्री देंगे बजट पर विपक्ष के सवालों के जवाब, विपक्ष भी साध सकता है निशाना। मुश्किल में आजम परिवार कोर्ट में पेश नहीं होने पर अब्दुल आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट, कोर्ट ने कहा गैर हाजिर होने पर होगी संपत्ति कुर्क। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस गर्मी के रोकने पर ट्रक ड्राइवर ने तानी तलवार, हिरासत में आरोपी ड्राइवर, 12,500 का कटाया चालान। बंद कमरे के भीतर भी घटना में एससी एसटी एक्ट का अपराध नहीं, सोनभद्र के केपी ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश। दिल्ली में हिंसा को देखते हुए यूपी में भी हाई अलर्ट, कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। सीतापुर में 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरे युवक की मौत, पंप के वॉल्व खोलने के दौरान मिट्टी धंसने से हुआ था बड़ा हादसा। यूपी बोर्ड की परीक्षा छोड़ने वाले परीक्षार्थियों की संख्या पहुंची 4,00,000 के पर, सख्ती के डर से छात्रों ने छोड़ी परीक्षा, नकल में अब तक पकड़े गए 222 परीक्षार्थी तो 95 पर FIR। संभल के प्राइमरी स्कूल में मांसाहारी खाना बनाने में इस्तेमाल बर्तन में मिड डे मील बनाने पर हंगामा, स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षकों को धमकाया, BSA ने प्रिंसिपल को किया निलंबित। वाराणसी में गीतों के माध्यम से बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने दिया स्वच्छता का संदेश, दिगंगा योद्धा महोत्सव 2020 के दौरान कैलाश एंड कंपनी ने किया परफॉर्म, झूम उठे सैकड़ों लोग। और पहाड़ों पर फिर बदला मौसम का मिजाज, चौली में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर, सैलानी ले रहे हैं स्कीइंग का मजा।